In this video, I will explain the application of integral class 12th maths chapter number 8 application of integrals. In this session, we will see how we integrate ellipse, circle, parabola and also the trigonometry function. The first question of the exercise 8.1, you can see on the screen, find the area of region bounded by ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. Now, first I draw ellipse. Ellipse look like equation of ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पे कट करेगा, यहाँ पे माइनस 4 पे, 3 पे कट करेगा, माइनस 3 पे कट करेगा. अब आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक स्ट्रिप लेनी है dx, जिसकी जो लेंथ होगी y होगी. तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. अब लेंथ इंटू विड्थ ले लिया. अब यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक. अब इस y को यहां से हम डिराइव करेंगे x के टर्म्स में. तो y को डिराइव करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ लिख दिया और लिमिट 0 टू 4 हमने लगा दी. अब y को x के टर्म्स में हम राइट करते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 9, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, देन y स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16. यहां पे 16 का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, y स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा. तो यहां पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर. हियर वी हैव वैल्यू ऑफ 1. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 4 में, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर dx. तो फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म. इस 16 को मैं 4 स्क्वायर यहां पर राइट कर देता हूं तो बेटर वी कैन अंडरस्टैंड. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx is equal to x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 multiply by sine inverse x upon a plus c. So here we have to apply this formula. So x by 2 square root of 4 minus 4 square minus x square, yani 16 ho jayega yahan pe. ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, साइन इनवर्स एक्स बाय ए यानी 4, एक्स बाय 4, लिमिट हमें 0 से 4 रखनी है. तो जब यहां पे 4 को रखूंगा मैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 होगी. यहां पे 4 को रखूंगा तो ये 8 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा. साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है, पाई बाय 2 होती है, 90 डिग्री होती है. 0 को यहां पर रखने पर 0 वैल्यू मिलेगी, यहां पर रखने पे 0 वैल्यू मिलेगी. नाउ यू गेट 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, तो यानी आपके पास आंसर आएगा 3π. तो ये एलिप्स का बाउंडेड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर चारों क्वाड्रेंट का आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3π, तो कितना आ जाएगा 12π. अब वन मोर कॉन्सेप्ट आई वांट टू ऐड कि आप डायरेक्टली भी एलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते थे. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर मैं शो कर देता हूं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं एक बार यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका आइडिया बता देता हूं.
कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है हमारे पास, तो एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू पाई ए बी, तो इसका एरिया डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए और एलिप्स का एरिया फाइंड कीजिए और क्रॉस चेक भी कर लीजिए, कहीं इंटीग्रेशन में आपसे कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू थ्री। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू टू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड दिस टू लाइन फाइंड करना है। तो आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में किस तरीके से डायग्राम बनेगा सर्कल का। ये सर्कल का डायग्राम है, यहाँ पर रेडियस 2 है, तो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 2 तक हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इस स्ट्रिप की विड्थ होगी dx और लेंथ होगी y, तो एरिया हो जाएगा y dx, लिमिट होगी 0 से 2। y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर। नाउ पुट हियर 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, है ना। अब वीडियो को थोड़ा रिवर्स जाकर फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है। हियर आई एम अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला है x बाई 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2। इस 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर। लिमिट रखना है 0 से 2, तो पहले 2 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म की बात करें तो 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 विल बी पाई स्क्वायर यूनिट। Now see this question on the screen, parabola y axis y equal to 3 के बीच जो area bounded है उसका area आपको find करना है। तो यहाँ पे diagram बना देता हूँ, diagram में आप parabola को देख सकते हो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर x y axis आपको पता है कौन सा है और y equal to 3 भी पता है कौन सा है, तो यहाँ पे जो ये area bounded है इसको find करना है। यहाँ पे हम अब जो स्ट्रिप लेंगे वो लेंगे dy और उसकी लेंथ रखेंगे x, तो यहाँ पे एरिया होगा x dy, लिमिट होगी 0 से 3, यानी x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4 dy, लिमिट 0 टू 3। इसका तो इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को आता है, आपको भी आता होगा, तो देयर इज नो वरी, आप सिर्फ लिमिट रखिए, अपर लिमिट फिर देन माइनस करके लोअर लिमिट। अपर लिमिट 3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 27 9 टाइम कट होगा, तो एरिया आ जाएगा
9/4 स्क्वायर यूनिट। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन सो डेट यू कैन प्रिपेयर मोर टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स व्हाट आई एक्सप्लेन हियर। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और मुझे लिखकर बताना। सो डेट वी कैन रिजॉल्व दिस मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ आई रफ दिस। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एरिया ऑफ वाई इक्वल टू कोस एक्स बिटवीन 0 to 2π। कोस एक्स का 0 to 2π में एरिया क्या होगा? तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोस एक्स का डायग्राम पता होना चाहिए। सेम ये क्वेश्चन साइन एक्स के साथ भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको साइन एक्स कोस एक्स दोनों के डायग्राम पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोस एक्स का डायग्राम बता रहा हूं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। डायग्राम कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। यहां पर अब हम देखें कि ये पाई बाई टू, देन यहां पे पाई, 3π/2 और यहां पर आएगा 2π। तो आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो नेगेटिव है और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम माइनस साइन यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आप देखिएगा 0 to 2π y dx है ना। अब y को यहां पर रखते हैं, y कितना है? cos x। तो 0 to π/2 में cos x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव पाई बाई टू से 3π/2 में होगा, अगेन 3π/2 से 2π में ये पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से देखिए, 0 to π/2 में कोस एक्स पॉजिटिव है, पाई बाई टू से 3π/2 में कोस एक्स नेगेटिव है, 3π/2 से 2π में कोस एक्स पॉजिटिव है। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, 0 to π/2 में पॉजिटिव, π/2 से 3π/2 में नेगेटिव और π/2 से 2π में पॉजिटिव। अब cos x का इंटीग्रेशन बच्चे को पता है कितना होता है, sin x, फिर लिमिट रखनी है 0 से π/2 माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट रखनी है π/2 से 3π/2, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट रखनी है 3π/2 से 2π। sin π/2 की वैल्यू 1, 0 के 0 माइनस, sin 3π/2 की वैल्यू -1, देन माइनस साइन sin π/2 की वैल्यू 1, प्लस sin 2π की वैल्यू 0 माइनस sin 3π/2 की वैल्यू -1। तो यहां पे 1 ये हो जाएगा, +2 ये हो जाएगा, +1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।